दोस्तों आप फ्री में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमारी टेक्नोलॉजी की वीडियोस देखना चाहते हैं तो साथ में इस बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। हाँ तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों आपने मेरी शायद पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने पबजी ट्रेनिंग मूड के बारे में बताया था कि पबजी ट्रेनिंग मूड क्या है और इससे हम कैसे दोस्तों अपने गेम को सुधार सकते हैं। तो उसमें काफ़ी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी और काफ़ी उसमें आपको कुछ ऐसी टिप्स बताई थी और अगर आप अपना पबजी खेलेंगे तो आप उसमें आप गेम का काफ़ी सुधार पाएंगे। तो दोस्तों कुछ मुझे ऐसे कमेंट्स मिले, कुछ मुझे ऐसे ईमेल्स देखने को मिले जिसमें ये लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि वो पबजी ट्रेनिंग मूड को नहीं लगा पा रहे हैं। तो मुझे बहुत आश्चर्य इस बात को, क्योंकि मैंने सोचा शायद वो नहीं लगा पा रहे हैं, पर मैंने देखा तो जब से अपडेट आया है तो पबजी ट्रेनिंग मूड पहले कहीं पर जो ऑप्शन आता था वो पहले दूसरी जगह आता था और जब से ये दूसरा अपडेट आया तब से दोस्तों जो पबजी का जो ऑप्शन है जिसमें पबजी खेलने जाते हैं वो दूसरी जगह ऑप्शन आ गया। इसी वजह से लोग पबजी ट्रेनिंग मूड में नहीं जा पा रहा और नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आप इसको ट्रेनिंग मूड में जा सकते हैं और कुछ आपको ऐसी और टिप्स देना चाहूँगा जिससे आप अपने गेम में खेलेंगे और आपका गेम पहले से बहुत अच्छा बेटर हो जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारा टेक्नो स्मार्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो दोस्तों जल्दी से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में इस लाल वाले बटन को भी दबा सकते हैं, क्योंकि जो भी मैं अगली वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस आज हम आपको बताते हैं पबजी ट्रेनिंग मोड कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों उससे पहले कुछ आपको मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों इससे पहले जब हम पबजी ट्रेनिंग मोड लगाते थे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एक स्टार्ट का बटन आ रहा और नीचे मैप आ रहा। जैसे ही हम मैप पे जब क्लिक कर देते इससे पहले तो नीचे दोस्तों यहाँ पर टीम है, जैसे 1 प्लेयर 2 प्लेयर 4 प्लेयर को साथ में स्क्वाड बना के खेल सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आता है रूम का और एक ऑप्शन आता था ट्रेनिंग मोड का। तो पहले हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करके ट्रेनिंग मोड लगा लेते थे। अब दोस्तों अब ऐसा जैसे ये अपडेट हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी चेंजिंग हो गई। तो यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पर इन्होंने दोनों ऑप्शन दे दिए, एक दे दिया आपको रूम का एक ऑप्शन और एक दे दिया ट्रेनिंग मोड का। देख सकते हैं लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक ट्रेनिंग मोड का ऑप्शन है सबसे वहाँ पर। आप जैसे आप क्लिक करेंगे आप ट्रेनिंग मोड में दोस्तों वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ट्रेनिंग मोड खेलना और कुछ मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगा जो आप अपने गेम में यूज़ करेंगे तो आपका गेम थोड़ा सा बेटर तो हो ही जाएगा जो मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ। तो गाइस उसके लिए सबसे पहले जैसे मैं ट्रेनिंग मोड पर, यहाँ आप देख सकते हैं मैं ट्रेनिंग मोड पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैं अपनी गन ले लेता हूँ, फेवरेट गन। चलिए यहाँ से मैं सबसे पहले मैं लेवल 3 का बैग उठा लेता हूँ, ठीक है, और एक हेलमेट यहाँ से ले लेता हूँ लेवल 3 का। यहाँ से मैं अपनी फेवरेट गन ले लेता हूँ, चलिए मैं एक लेता हूँ M24 ले लेता हूँ, ठीक है, और उसकी बुलेट भी मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ, ठीक। और सेकंड गन मैं लेता हूँ जो दोस्तों मैं ज़्यादा का यूज़ करता हूँ, मेरी गन का ये दोस्तों मैं ये वाली गन यूज़ करता हूँ M416। दोस्तों ये गन मैं इसको यूज़ करता हूँ और ज़्यादा का मैं गन यही यूज़ करता हूँ। चलिए मैं इसकी बुलेट ले लेता हूँ, चलिए इसकी मैंने बुलेट ले ली। और यहाँ से मैं स्कोप ले लेता हूँ, कोई देखिए यहाँ से आप चाहें तो कोई भी इसमें स्पेशल लगा लेते। चलिए मैं इसमें AR का स्पेशल ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ मैं और एक ले लेता हूँ मैं स्नाइपर का स्पेशल, ठीक है। मैंने दोनों स्पेशल ले लिए और यहाँ पर मैं एक स्कोप ले 8x ले लेता हूँ, 4x ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मेरी 8x हो गई M24 में सेट हो गया है और M416 में मेरा 4x सेट हो चुका है, ठीक है। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको मैं गाड़ी आई थी तो यहाँ आपको बताना चाह रहा था कि इस गाड़ी से दोस्तों एक मैं ट्रिक आपको बताना चाहूँगा। जब मैं गेम खेल रहा था तो मुझे काफ़ी ट्रिक अच्छी सी पता लगी। यहाँ पर दोस्तों जैसे हम एक गाड़ी यूज़ करते हैं अपनी गेम में, जैसे हम चलाते हैं, चलिए मैं यहाँ से अपनी गाड़ी चलाता हूँ ये, ठीक है। चलाने के बाद दोस्तों जब भी हम चलाते हैं, जब भी इसको हम राइट या लेफ्ट को मोड़ते हैं तो जैसे ही मोड़ेंगे यहाँ पर देखिए ये पूरी गाड़ी हमारी घूम जाती है, देखिए पूरी गाड़ी घूम जाती है, ज़रा से मोड़ने पूरी गाड़ी घूम जाती है, जिससे दोस्तों हमें कोई जल्दी से किल कर देता है। तो दोस्तों ये जब हम चलाएँ तो इसकी जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी हो जाती है, इससे जो हम बिल्कुल भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप उतरना है, उतरने के बाद ये आगे का टायर दोस्तों पंचर कर देना है, ठीक है। पंचर करने के बाद यहाँ से आपको
यहाँ पर आप जब ये गाड़ी चलाएंगे दोस्तों आप बहुत इसी तरीके से यहाँ पर आप गाड़ी इसको चला लेंगे। देखिए आप जिधर मैं चाह रहा हूँ उधर मैं इसको ड्राइव कर ले रहा हूँ, ना मुझे ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रही, कुछ भी नहीं हो रही यहाँ पर। देखिए जिधर चाहूँ उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ बहुत अच्छी तरीके दोस्तों, मैं इसको यूज़ कर ले रहा हूँ। तो आप जब भी आप करिएगा तो आप इसी तरीके से ट्रिक की मैं बात बताऊँ हमेशा दोस्तों, आपको कभी किसी को किल करना तो हमेशा आपको लेफ्ट वाला हैंड चलाने रहना, चलाते रहना, और यहाँ पर आपको अपनी गोली पे मतलब जो आपका सर्कल है उसको दबाए रहना। कभी भी एक जगह पर रुक के, सबसे बड़े लोग नए लोग ऐसी गलती करते हैं, कोई भी जब वो किसी को किल करते हैं तो यहाँ से जब खड़े हुए ऐसी गोली चलाते हैं तो सामने वाला दोस्तों आजकल बहुत मुझे पबजी के सब इसमें दोस्तों प्रो प्लेयर हो चुके हैं, तो इसीलिए आपको हमेशा जब भी किल करना है तो ये लेफ्ट तरफ का इसको चलाते रहना और अपने निशान रखना। तो यहाँ पर ऐसे आप इसको आप देखो इसको किल करना है, ऐसे करके ऐसे किल करना है और बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए आपको हमेशा ऐसे किल करना है, ठीक है। और सेकंड जब भी आप दोस्तों वैसे भाग रहे हो तो हमेशा आपको सीधे नहीं भागना, हमेशा आपको उल उल के ऐसे भागना, क्योंकि कोई भी आपका हेडशॉट नहीं ले पाएगा। अगर आप ऐसे भागते रहेंगे तो आपको कोई भी हेडशॉट नहीं ले पाएगा, अगर आप सीधे भागते रहेंगे को सीधे भागते रहेंगे तो कोई भी आपका आसानी से हेडशॉट ले सकता है। तो गाइस मैंने आज इस वीडियो में आपको बता दिया कि पबजी ट्रेनिंग मूड में कैसे आते हैं, और काफ़ी मुझे ऐसे ईमेल्स मिले थे और कुछ ऐसे मैसेज मिले जिससे लोग पबजी ट्रेनिंग मूड नहीं लगा पा रहे थे। तो गाइस अच्छे से आप अपना गेम सुधारिए और गेम अच्छे से आप खेलिए। अगर आप कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप पबजी ट्रेनिंग मोड लगाइए, अगर आपको कोई भी हर गन मिलेगी, आपको जो भी गन में स्कोप लगा के देखिए कौन सी गन में कौन सा स्कोप सेट होता है। अगर आप नए हैं, अगर आप पुराने तो आपको जाहिर सी बात है 100% आपको पता होगा कि आप कौन सी गन में कौन सा स्कोप लगता है और कौन सी गन में कौन सा स्नैपर लगता है और कौन सी गन में कौन सा SMG का सप्रेसर AR का सप्रेसर लगता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तब के लिए मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।